साथियों नमस्कार। ये गांव की जिंदगी आज आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देख लो। ये सुबह का टाइम है, करीब 8:30-9 बजे है और मासा गायों के जो गायों का जो दूध होता है उसका बिलाना कर रही है माँ। ये देसी अंदाज, ये छाछ निकाल रही है मासा, बिलाना करके छाछ निकाल रही है। ये छाछ तैयार हो रही है साथियों, गांव में छाछ ऐसे तैयार करते हैं, बिलाना कहते हैं ऐसे मारवाड़ी में। ये पीछे झोंपा है, ये पास में मासा की बिटिया बैठी है, ये सहयोग कर रही है। बिलाना पूरा तैयार होने के बाद जो माखन होता है वो माखन ये मासा की बिटिया पास बैठी है ये निकालेगी। फिर ये माँ और बेटी दोनों ये बिलाना कर रहे हैं। और तस्वीरें आपको मैं ये लीलसर गांव की दिखा रहा हूँ साथियों। लीलसर गांव में देसी अंदाज से छाछ तैयार हो रही है, बिलाना जैसे कहते हैं बिलाना। ये गांव की जिंदगी है साथियों। तो साथियों ये गांव की जिंदगी मैंने आज आपको दिखाई है। बाड़मेर से 40 किलोमीटर दूर देसी बिलाना की छाछ तैयार कर रहे हैं। अब कुछ गांव के अड़ोसी पड़ोसी है जिनके घर में गाय नहीं है, वो अड़ोसी पड़ोसी भी आकर एक एक जग भर के यहां से छाछ ले जाएंगे, फिर वहां घर ले जाकर खाना खाएंगे। तो अभी ये तैयार हो गई, ये छाछ तैयार है, अब इसके ऊपर जो माखन आया है वो माखन भी लेंगे ये। तो एक बार साथियों इस पोस्ट को शेयर कर दो ताकि सभी मित्रों तक ये मैसेज पहुंचे। ग्रामीण इलाकों में छाछ की तैयारियां मासा कर रही है, ये बिलाना कहते हैं ऐसे, ये देख लो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? मुरली देवी। मुरली देवी जी, ये क्या कर रहे हो आप? झिलको हैं? झिलका कर रहे हैं। झिलका? ये कैसे करते हो ये? 10 किलो दूध है। हाँ, बच्चे झिलका कराओ, आड़ोई पाड़ोई ले जाए। की ले जाओ? बिलोनी अड़ोसी पड़ोसी ले जाऊंगा। कन पैया लो ना? तो ये कहीं का तो बाड़मेर में तो यही एक गिलास रहा 20 रुपया ले ले कितनी दो किले भरी पैया कौन लो ना। तो थे सुबह करो की करो सुबह उठता ही पहले की करो हाँ। कितना टाइम लगे ये में? घंटे फिर लगे एक घंटे में कितनी छाछ आवे? कितने किलो दूध री करो? 10 किलो दूध री। ठीक है, धन्यवाद।